अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 5 फंक्शन एंड इट्स टाइप। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमने फंक्शन को समझना है। सबसे पहले है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? ऐसा कोई भी रिलेशन जो ए क्रॉस बी का सबसेट हो उसे क्या कहते हैं? बाइनरी रिलेशन कहते हैं। जैसे ए क्रॉस बी हमारे पास ए बी, बी बी, सी डी एंड डी डी, तो इसका जो आर हम कोई ले लेते हैं एक सेट है ए बी एंड सी डी, तो क्या इसके एलिमेंट इसमें बड़े हुए हैं? यस। तो इसका मतलब ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो ये क्या होगा? बाइनरी रिलेशन होगा। अब बाइनरी रिलेशन के जो पहले एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर पेयर के वो डोमेन कहलाते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेंज कहलाते हैं। हमने जब भी फंक्शन को एनालाइज करना है वो डोमेन की बेस पे करना है, और जब उसकी टाइप को एनालाइज करेंगे तो वो रेंज की बेस पे करेंगे। मतलब हमें जब कन्फर्म हो जाएगा कि ये फ्लॉ फंक्शन है, उसके बाद हम उसकी रेंज पे उसे चेक करेंगे कि आया कि ये कौन सी टाइप का फंक्शन है। सबसे पहले देखते हैं फंक्शन। एनी रिलेशन एफ साइड दैट ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ। हमारे पास कोई रिलेशन है एफ कहाँ से बी की तरफ, तो अगर डोमेन ऑफ एफ ए के इक्वल हो और कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो, एवरी एक्सिस बिलोंग टू ए अपीयर्स इन वन एंड ओनली वन टाइम ऑर्डर पेयर इन एफ, तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर पेयर में वो पाया जाए जो कि डोमेन एलिमेंट से तलक रखता है। इसकी एग्जांपल लेते हैं, ए हमने लिया 1 2 3, बी हमारे पास है ए बी सी। अब देखिए ए को 1 के साथ, 1 को ए के साथ, 2 को बी के साथ और 3 को सी के साथ, तो इसकी जो डोमेन बनेगी, डोमेन होते हैं फर्स्ट जिनके साथ हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो 1 2 3 यूज हो रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो डोमेन एलिमेंट में कोई रेपिटेशन नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है, इससे कहते हैं प्री इमेज और इससे कहते हैं इमेज। तो यहाँ पे हर का 1 का इमेज जो है वो ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज ए है, इसका मतलब हर का यूनिक इमेज है, इस वजह से ये क्या होगा? फंक्शन होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं टाइप का फंक्शन की। तो मैंने बताया था कि जब हम डिसाइड कर लेंगे कि फंक्शन है, उसके बाद उसकी टाइप किस पे बिलोंग करेंगी? रेंज पे बिलोंग करेंगी। सबसे पहला है इनटू फंक्शन। ये फंक्शन है और इनटू उस वक्त होगा अगर एफ इज सबसेट ऑफ बी। जो आपके पास रेंज है वो क्या है? रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ये आपके पास ए बी इसकी रेंज आएगी ना, तो ये बी का सबसेट है। और देयर इज रेपिटेशन रेंज एलिमेंट्स। रेंज एलिमेंट जो है वो रिपीटेड होंगे। देखें जैसे कि रेंज ऑफ एफ है आपके पास ए बी विच इज द सबसेट ऑफ बी, और इसका सेकंड है बी इज रिपीटेड रेंज एलिमेंट, तो बी जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास रेंज ऑफ एफ जो है वो बी का सबसेट हो और उसके एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हो, तो वो क्या 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 होता है? इनटू फंक्शन होता है। उसके बाद है वन वन फंक्शन। अगर आपके पास रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ बी और उसके अंदर कोई रेपिटेशन नहीं हो रही, तो वो क्या होता है? वन वन फंक्शन होता है। लेट्स सी 1 2 3 हमारे पास डोमेन एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी, ये कोडोमेन एलिमेंट्स हैं। कोडोमेन एलिमेंट्स से यूज क्या हो रहे हैं? ए सी और डी। अब अगर हम देखें तो ये रेंज क्या बनेगी? ए सी डी विच इज द सबसेट ऑफ बी, और उसके बाद इन रेंज एलिमेंट में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ऐसे सेट को, ऐसे फंक्शन को हम वन वन फंक्शन कहते हैं। उसके बाद है ऑन टू फंक्शन। एफ साइड एट ए टू बी इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन एफ, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी एंड रिपीटेड रेंज एलिमेंट्स। वन वन टू फंक्शन में क्या होगा? हमारे पास रेंज है वो बी के इक्वल होगी और रेंज के एलिमेंट